जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसा आप सभी लोग। स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मेरठ टायर हब में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक फटा पुराना टायर को दोबारा से कामयाब किस तरीके से किया जाता है। इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी दिखाने वाला हूं कि एक ख़राब टायर को दोबारा चलाने के लायक किस तरीके से बना दिया जाता है। दोस्तों जब हमारा टायर ख़राब हो जाता है तो उसके ऊपर का जो बेल्ट होता है उसे हम उतार लेते हैं ब्लेड की मदद से, और उसी बेल्ट को हम दूसरे एक साफ टायर पर लगाकर गाड़ी में चलने के लिए तैयार कर देते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि किस तरीके से पुरानी बेल्ट का टायर रिपेयर किया जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं टायर के ऊपर सबसे पहले सोल्यूशन का काम चल रहा है। जैसे ही हम ये सोल्यूशन पूरा अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर दूसरा काम चलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जहाँ जहाँ टायर के ऊपर तार निकल रहे हैं क्योंकि रेडियल टायर है, और जहाँ जहाँ टायर के ऊपर तार निकल रहे हैं वहाँ वहाँ अच्छी तरीके से फिलअप कर दिया जाएगा, और उसके ऊपर एक रबड़ की पतली सी लेयर लगा दी जाएगी जिससे कि हमारी रबड़ अच्छे तरीके से चिपक जाए। रबड़ की पूरी लेयर लगाने के बाद आगे का प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे। जितने भाई साहब रबड़ के लेयर लगा रहे हैं उतने आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आते हो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें। हम ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और देखिए पूरा प्रोसेस रबड़ चलाने का।